सूबे के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश सेवाओं को अच्छा रखने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनकी महत्वाकांक्षाओं पर परीता लगाने पर जुटे हुए हैं। ताजा मामला उन्नाव जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज का है, जहां पर बीती रात दुर्घटना में घायल मरीज का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। बता दें कि अस्पताल में बिजली जाने के बाद ही अंधेरा छा जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनरेटर की व्यवस्था होने के बाद भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं कराई जाती है और उसके नाम पर आने वाली डीजल का दुरुपयोग किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली जाने के बाद ही पूरे परिसर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। प्रसव के लिए आई हुई महिलाओं का प्रसव मोबाइल टॉर्च की रोशनी में होता है। प्रसव के बाद ही महिला वार्ड में जच्चा बच्चा गर्मी से परेशान रहते हैं। वहीं एमरजेंसी में आए हुए मरीजों का भी इलाज डॉक्टर परिजनों की मोबाइल टॉर्च की रोशनी से करते हैं। इस तरीके से मामले लगातार प्रकाश में आने के बाद भी आला अधिकारी अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। और नखल करे काम किन्हें आए तो अहन और महंगी खेरे केरे आगे पर यहाँ ऑटो तेरे एक्सीडेंट हो गया। ऑटो वाला एकदम अपनी साइड में पूरी रोड छाड़ के यहाँ कम से कम एक मीटर दूरी कच्ची में यहाँ आके यहाँ ठोक दिन है लड़ा दिन है। तो हमारे सर तीन दिन बैठा है और लाला है और राम के बैठा है। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका क्या नाम है? लाला राम राज गजा खेड़े में रहते हैं। गजा खेड़ा भानपुर भानपुर दो जगह तेरे टांग बिल्कुल टूट गई है। महीने भी काम करा जाए क्या ना पूरी रोड छाड़ के यहाँ मान लो अपनी साइड पूरी रोड अपन छाड़ दिन एक मीटर कच्ची में यहाँ जाए टूट गई। क्या आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया? हम 112 नंबर मिला हुआ कई बार मिला हुआ हमारा फोन एक बार कोई उठाया है नहीं। कम से कम आपने 112 नंबर डायल किया और आपका फोन नहीं उठाया गया? 112 नहीं पहुंची? नहीं वो पता नहीं कहा बताओ दिया फोन नहीं उठा। फिर घर में फोन किया फिर घर से लोग आए फिर उठा गए तो फिर लेकर यहाँ अपन घर बताओ सरकारी अस्पताल है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।